हेलो एवरीवन वेलकम टू टूडेज एडिटोरियल आज हम बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में थे दैट इज वन वाज ऑन योर यूपीआई एंड द अदर वाज वन रिलेटेड टू योर आर्कटिक क्वेश्चन नाउ व्हाट इज यूपीआई यूपीआई इज योर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसे कि हम फोन पे से भी पेमेंट करते हैं तो वी डू इट यूजिंग आर यू ओनली सो इट वॉज रिगार्डिंग दैट कि कैसे वो लोगों के लिए तो बहुत कन्वीनियंट है लेकिन बैंक के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है क्योंकि मोस्टली जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ वाले नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बट द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन अब छोटे छोटे अमाउंट के लिए भी लोग जो है यूपीआई से पेमेंट करने लगे हैं जिसकी वजह से बैंक को बहुत ट्रैक रखना पड़ता है सो न्यूज वॉज रिगार्डिंग दैट सो दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमिक सेक्शन ओके इकॉनॉमी वाले सिलेबस में आएगा तो जीएस थ्री के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका देन आर्टिक्वेशन पे न्यूज ये थी आर्टिक्वेशन वाई ट्वेंटी थर्टी ऐसा कहा जा रहा है की आर्टिक्वेशन में ना समर्स में आइस मिलेगी ही नहीं बिल्कुल भी जो कि अभी क्या होता है कि आर्टिक ओशन में समर्स हो या विंटर्स हो कुछ पोर्शन ऑफ आइस जो होता है वो हमेशा ही अवेलेबल रहता है ओके सो दिस वॉज ए न्यूज सो ये आपके जोग्रफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओशन जो है वो लोकेशन वाइज जोग्रफी के क्वेश्चन आ सकते हैं देन आपके एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा रिलेटेड है क्योंकि ये जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से कैसे रिलेटेड है उससे uh, या क्लाइमेट चेंज से कैसे ये हो रहा है उसकी हम बात करेंगे सो so, आपके लिए जीएस वन एंड थ्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं बोथ वो एयर इन दिन्दू सो लेट्स डिस्कस की हम डिस्कस क्या करने वाले हैं यूपीआई में हम पढ़ेंगे पहले तो न्यूज क्या थी जैसे मैंने अभी आपको बताया क्योंकि आपको जरूरी नहीं है जो बिगिनर्स होते हैं या पहली बार तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तो ऐसा नहीं है कि न्यूज पेपर में न्यूज पढ़ के उन्हें सबको समझ आ जाएगा तो हो सकता है उन्हें वट इज यूपीआई या क्या फीचर्स होते हैं क्या बेनिफिट्स है नहीं पता है तो उसके लिए मैंने वीडियो में ये भी इंक्लूड किया है सो so, दैट आपको होलिस्टिक कवरेज मिले पूरे टॉपिक्स की सो विल टॉक अबाउट वट वॉज द न्यूज एंड वट इज यूपीआई की फीचर्स क्या होते हैं बेनिफिट्स क्या हैं क्या लिमिटेशंस हैं यूपीआई के ऊपर क्या लिमिटेशंस क्यों लगाए गए हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है और क्या चैलेंजेस जो है हम फेस कर रहे हैं एसोसिएटेड विद यूपीआई ये सब हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू योर आर्टिक ओशन सो वी विल स्टडी की बेसिकली आर्टिक ओशन या आर्टिक सी की जो आइस है वो इम्पोर्टेंट क्यों है हम क्यों बात करें कि अगर वो आइस नहीं होगी समर में तो क्या प्रॉब्लम होगा सो वी विल अंडरस्टैंड कि न्यूज में क्या था इम्पोर्टेंस क्या है आर्टिक सी आइस की चैलेंजेस क्या है आर्टिक रीजन से एसोसिएटेड एंड आर्टिक ओशन से एसोसिएटेड दो फिनोमिना है ब्लू ओशन इवेंट एंड आर्टिक एम्पलीफिकेशन ये दोनों भी हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि आपको ये समझने की बहुत जरूरत है कि अगर कोई भी न्यूज़ जो है वो पेपर्स में होती है तो जरूरी नहीं है सिर्फ वही न्यूज़ आपके प्रिलिम्स में आएगी उससे एसोसिएटेड इवेंट जो रिसेंटली न्यूज में थे या कोर सब्जेक्ट का पार्ट है वो भी पेपर में आ सकते हैं तो इसीलिए आपकी कैंपलीफिकेशन या ब्लू ओशन इवेंट पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है देन इंडिया को ये कैसे इंपैक्ट करेगा ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत फिल्म एंड मीन्स क्योंकि कई बार मीन्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इसका इम्पैक्ट इवेलुएट करो इंडिया पे या डिस्क्राइब करो या डिस्कस करो सो so, आप कोई भी जब खबर पढ़ते हो उसका इंडिया से क्या रिलेशन है या कैसे इंपेक्ट करेगा वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है सोना इट्स अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट न्यूज दैट इज अगेन अबाउट योर यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तो वो थोड़ा सा समझ लेते हैं बेसिकली क्या है जो यू पी आई पेमेंट्स हैं वो न्यूज पेपर्स में ये था कि एक रिलीफ है फॉर यूजर बट बैंक के लिए हेडक है एज आई टोड यू द रीजन विच हैजिन स्टेटेड इस टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हुए हैं लेकिन वैल्यू ज्यादा नहीं है क्योंकि देखो पहले क्या होता था जब ट्रांजेक्शन्स होते थे तो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन ऑनलाइन किए जाते थे जैसे कि आपका एन ई एफ टी वगैरह जो होते हैं पेमेंट गेटवेज या पेमेंट मेथड्स होते हैं ऑनलाइन वाले वो थे जब यू पी आई नहीं था लेकिन उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता था ट्रांजेक्शन का अभी क्या हो गया है जो ट्रांजेक्शन हैं उनके नंबर ज्यादा हैं दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है लेकिन उनकी वैल्यूज कम है दैट इज जो अमाउंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं ट्रांजेक्शन के थ्रू वो बहुत ज्यादा कम है फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कोई भी दस रुपए की पेमेंट भी आजकल यूपीआई से हो रही है सो so, अकाउंट तो एज अ ट्रांजेक्शन ही होगी लेकिन दस रुपए वाली कितनी सारी ट्रांजेक्शन होगी तो ऐसी ट्रांजेक्शन जिनका वॉल्यूम बहुत कम है सॉरी uh, वैल्यू बहुत कम है या रुपी वैल्यू बहुत कम है ये बढ़ रहे हैं सो बैंक ऐसे ही वो हमारे लिए प्रॉब्लम है क्योंकि देखिए जब ट्रांजेक्शन बहुत सारी होगी रिकॉर्ड किसको रखना है वो बैंक को ही रखना है ट्रांजेक्शन का हर एक एक क्रेडिट या डेबिट जो भी आपके अकाउंट से होता है वो खाता कौन मेंटेन करता है वो बैंक ही करता है सो बैंक के लिए आपके अकाउंट से अब ट्रांजेक्शन

जब हम बात करते हैं 2021 की जो नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया है दैट इज एनसीपीआई उन्होंने क्या किया था डेली नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है आपकी लिमिट कर दी थी ट्वेंटी को और या तो आप 20 ट्रांजेक्शन कर सकते हो या आप 1 लाख पर डे ट्रांजेक्शन कर सकते हो आपको ये याद होगा कि फोन पे जब आप यूज करते थे तब क्या होता था अगर आपने 20 से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स कर लिए तो वो आपको ट्रांजेक्शन ही नहीं करने देता था ये आपको एक पॉपअप शो होता था दैट यू हैव क्रॉस्ड द डेली ट्रांजेक्शन लिमिट इन योर फोन पे ऐप या अदर एप्स जो भी आप यूपीआई के लिए यूज करें सो दिस इज अबाउट दैट दे हैव कम विदर ओन लिमिट ऑल्सो पहले क्या था कि एनसीपीआई ने एक लिमिट लगाया था लेकिन फिर बैंक ने जैसे आईसीआईसीआई ICI, uh, ने या एच डी एफ सी ने अपने अपने किए थे इससे क्या हुआ वॉल्यूम ऑफ जो ट्रांजेक्शन था इंडिया में रिसेंटली इसमें वो बढ़ा क्योंकि यूपीआई बहुत पॉपुलर हुआ ऑल्टरनेटिव टू कैश बन गया आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो क्योंकि लोग प्रेफर नहीं करते थे कि बड़ा वो नोट के अमाउंट अपने पास रखें तो यूपीआई वो सीन एज अ वेरी गुड

तो ये चार्ट है वो एक्सप्लेन करता है कि मंथ वाइज वॉल्यूम ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन कैसे बढ़ा है या कैसे घट रहा है देखिए अब इट इज वे वेरी क्लियर फ्रॉम द ग्राफ कि जब हम 2016 में बात करते हैं तो बहुत कम था नेग्लिजिबल ट्रांजेक्शन होते थे यूपीआई से लेकिन ऑगस्ट टू में इट हैज रीच्ड हियर बट इन मे ट्वेंटी इट हैज रीच्ड वे फार दैट इज नाइन ये आपकी मंथ वाइज इंक्रीज आप देख सकते हैं सो एवरेज ट्रांजेक्शन जो है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है दिस हेज बी शोन बाय दिस चार्ट नाउ लिट्स मूव फर्दर टू दार्ट विच शोज द शेयर दैट इज इन परसेंटेज ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिटेल पेमेंट इन इंडिया ओवर टाइम दैट मींस अब ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ यूपीआई से ही पे कर रहे हैं यूपीआई भी है एन भी है आपके पास आई भी है क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड्स पेपर बेस्ड करेंसी है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं अदर कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स भी हैं और अदर मोड ऑफ पेमेंट्स भी हैं सो so, इससे आपको ये पता चलता है कि ज्यादा शेयर पेमेंट्स का क्या है जब हम 2016 की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि 24 फोर है यहाँ वो ज्यादा यूज किए जाते थे ओके ऑप्शन विच वाज चोजन बाय पीपल वाज योर पेपर बेस्ड करंसी ओके दैट वाज बीइंग यूज्ड लेकिन अब जब 2022 हजार एंड तेईस की बात करते हैं देखिए रेड सेक्शन बढ़ गया है दैट इज योर यूपीआई एंड सबसे कम है जो लोग यूज कर रहे हैं कि पेपर बेस्ड करंसी यूज करना लोग बहुत कम जो है प्रेफर करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि यूपीआई के आने के बाद एक शिफ्ट हुआ है लोगों की टेंडेंसी ऑफ पेइंग और फॉर देयर ट्रांजेक्शन की किस तरह से पे करेंगे या किस मोड ऑफ ट्रांजेक्शन या पेमेंट को वो फॉलो करेंगे उसमें चेंज हुआ है और यूपीआई उसमें अब बहुत बड़ा शेयर लेता है सेवेंटी थ्री परसेंट सिर्फ यूपीआई से ही पेमेंट्स किए जा रहे हैं सो दिस इज द डेटा आई हैव हैव आई गिवन यू इन द कॉन्क्रीट ऑल्सो लाइक रिटन आई हैव रिटन एंड ऑल द पॉइंट ऑल्सो बट बेटर रहेगा आपके प्री के लिए अगर आपको ये चार्ट याद रहे क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारा डेटा है अब जैसे परसेंटेज है फाइव पॉइंट नाइन परसेंट सेवेंटी थ्री परसेंट सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट शेयर ऐसे ना डायरेक्टली कई बार परसेंटेज नहीं पूछता है ऐसे डेटा की प्रेलिम्स में लेकिन आपको ये पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा शेयर यूपीआई का है कि नहीं है या सबसे ज्यादा पेपर बेस्ड करेंसी यूज होती थी दो से पहले की नहीं होती थी जब यूपीआई आया था नहीं तो आपको एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए या बेसिक ये पता होना चाहिए कि, कि किस तरफ ट्रेंड गया है 2016 से 2023 तक तो पिक्टोरियल मेमोरी हमेशा ही बेटर होती है तो अगर आपको चार्ट याद रहेगा तो आप ये जो सारा डेटा है ना ये एग्जाम में ट्रांसलेट कर पाओगे अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए या करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू चार्ट थ्री जो कि दिखाता है परसेंटेज में शेयर ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट इन द वैल्यू ऑफ रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया ओवर टाइम दैट मीन्स वैल्यू क्या है रिटेल पेमेंट की मतलब कितना अमाउंट जो है हम पे कर रहे हैं यूजिंग दैट ट्रांजेक्शन अब जब बात करते हैं यूपीआई की तो देखिए 47, जो 47 है वो यूज होता था और यूपीआई का शेयर ना सिर्फ दो हजार सत्रह की जब बात करते लेकिन बाय द डाइमिटर्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इक्कीस पॉइंट वन परसेंट शेयर चला गया यूपीआई का वैल्यू ऑफ रिटेल पेमेंट्स में सो so आप देख सकते हैं कि वैल्यू की बात करें तो भी इंक्रीज हुआ है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हुआ है ना लेट्स मूव टू द टू अदर चार्ट विच वि इन द न्यूज पेपर्स टू एक्सप्लेन बेसिकली हो क्या रहा है क्या ट्रेंड रहा है यूपीआई का जो की फोर्थ एंड फिफ्थ चार्ट है वो आपको दिखाते हैं वॉल्यूम ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन थ्रू यूपीआई एप्स एंड रेमिटर्स बैंक रिस्पेक्टिवली ये है आपका जो की यूपीआई एप्स के थ्रू डेटा दिखाता है जैसे फोनपे जीपे पेटीएम पे, पे एक्सेट्रा और बैंक के जो रेमिटर बैंक है उनके थ्रू जो है जैसे एस बी आई एच डी एफ सी और बैंक का ही वो डेटा दिखाता है सो फोन पे ने सारी ऐप्स को डोमिनेट किया है सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन है देख सकते हैं उसके बाद आता है गूगल पे उसके बाद पेटीएम आता है एंड uh, जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज द रेमिटर बैंक फॉर मेजोरिटी ऑफ यूपीआई पी ट्रांजेक्शन मतलब एस को बहुत ज्यादा यूज किया गया है उसके बाद एच डी एफ सी सेकेंड है और उसके बाद कहीं लाए करते हैं अदर बैंक एंड ये इंक्रीज ही हुआ आप देख सकते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन से ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक इंक्रीज ही हुआ है फोन पे हमेशा ऊपर ही रहा है सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं एंड मे ट्वेंटी ट्वेंटी से मे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक एस बी आई का शुरू से ही ज्यादा रहा है दैट मीन्स इट वॉज मेजरली यूज बाय अ लॉट ऑफ पीपल फॉर देर यूपीआई ट्रांजेक्शन ना थोड़ा सा समझते हैं, अब हमने समझ लिया कि यूपीआई के ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं वैल्यू बढ़ रही है लेकिन यूपीआई है क्या देखो एक एडवांस वर्जन है पेमेंट सिस्टम का किस पेमेंट सिस्टम का इमीजिएट पेमेंट सर्विस इमीजिएट पेमेंट सर्विस क्यों कह रहे हैं देखो सिंपल सिंपल सी बात है जब आप अपने फोन पे से किसी का कोड स्कैन करते हो या फोन नंबर डालते हो उसके आप इमिजिएटली उसको पेमेंट कर सकते हो जो भी आपको करना है दैट इज वाई एक एडवांस वर्जन बनाया है इमीजिएट पेमेंट सर्विस का जिसको हम बोलते हैं आपका यूपीआई जो की क्या है फंड ट्रांसफर कर सकता है कैशलेस पेमेंट होती है फास्टर है इजी है स्मूद है करना के लिए जिसके पास भी एंड्रॉइड फोन हो सकता है वो कर सकता है ओके सो देर आर बेनिफिट एसोसिएटेड विद ना जो यूपीआई सिस्टम है वो मल्टीपल बैंक को आप सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में कर सकते हो क्योंकि फोन पे में आपने नोटिस किया होगा फोन पे का एग्जाम्पल अगेन एंड अगेन सो दैट यू रिमेंबर एक uh, क्योंकि आप लोग भी खुद यूज करते हो तो आपको पता रहेगा कि बेनिफिट क्या है या यूपीआई बेसिकली होता क्या है जो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं आप उसे लिंक कर सकते हो सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट यूज करना इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन हियर सेवरल बैंकिंग अकाउंट्स जो होते हैं बैंकिंग फीचर्स भी मर्ज हो जाते हैं बैंक अकाउंट्स भी मर्ज हो जाते हैं देन सीमलेस फंड रूटिंग होती है मर्चेंट पेमेंट इंटू वन हुड हो सकता है दैट आपको सारी चीजें ना एक ऐप में मिलती है एंड uh, अभी बात करते हैं कि यूपीआई करंटली सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे है ंग द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेटेड सिस्टम दैट मीन एनपीसीआई जो ऑपरेट करता है उसमें यूपीआई सबसे बिगेस्ट है अभी उसके अलावा एनपीसीआई क्या ऑपरेट करता है आपका नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस हाउस एम पी एस है आपका एई पी एस दैट इज आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस एंड रूपे एक्सेट्रा ये भी एनपीसीआई के तहत ही आते हैं या ऑपरेटेड है लेकिन यूपीआई सबसे ज्यादा अभी यूज हो रहा है अंडर एनपीसीआई अब यूपीआई एप्स कौन कौन से होते हैं फोन पे पेटीएम गूगल पे अमेजन पे भीम ये सब जो है आपको यूपीआई सर्विसेज ऑफर करते हैं एंड इंडिया यूपीआई विल बी लिंक टू सिंगापुर पे नाउ दिस वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर की सिंगापुर का जो पे नाउ सिस्टम है उससे इंडिया का यूपीआई को लिंक किया जाएगा यू नी टू रिमेंबर दिस क्यों क्योंकि अभी ना किसी और कंट्री के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है सो so, एक के साथ हुआ है तो उस एक का पता होना चाहिए आपको देन एनपीसीआई ने लॉन्च किया था यूपीआई विद ट्वेंटी वन बैंक्स जब दो हजार सोलह में लॉन्च हुआ था तब सिर्फ इक्कीस ही मेंबर्स थे दो हजार अठारह में अपग्रेड हुआ यूपीआई टू पॉइंट ओ आया जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने ही लॉन्च किया था थोड़ा सा समझते हैं एनपीसीआई क्या है बार बार बोल रहे हैं हम एनसीपीआई के अंडर आता है एनपीसीआई के अंडर आता है एनपीसी बेसिकली एक अमरेला ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे ही रिटेल पेमेंट्स जो है और सेटलमेंट सिस्टम इंडिया को जो है वो ऑपरेट करता है एंड ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियाज बैंक एसोसिएशन दैट इज आई के प्रोविजंस uh, का इनिशिएटिव है और किन के प्रोविजन्स के अंडर आता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट टू ने क्रिएट किया था ये जो दोनों है उसके प्रोविजन के तहत जो आता है नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड की यूपीआई जो इतना ज्यादा यूज हो रहा है तो कुछ तो फीचर्स होंगे ऐसे जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम पेपर करेंसी टू योर डिजिटल पेमेंट्स तो थोड़ा समझते हैं चार बेसिक फीचर्स हैं या बोल सकते हैं की फीचर्स हैं पहला है इनवॉइस इन द इनबॉक्स अब इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब ये होता है जब भी आप कोई पेमेंट करते हो उससे पहले जो होता है मर्चेंट आपको एक इन्वॉइस भेजता है एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ जब आप जोमेटो से कोई भी चीज ऑर्डर करते हो और यूपीआई चूज करते हो तो आपको आपकी जो भी यूपीआई ऐप होते हो उसमें एक पॉपअप आता है जिसमें दिया होता है कि यू हैव टू पे सो सो अमाउंट टू योर जोमैटो दैट मीन्स एक इन्वॉइस पहले आता है ऐसा नहीं है कि आप पहले ही पेमेंट कर दोगे नो no. आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना इन्वॉइस चेक कर सकते हो कि हाँ इतना इतना पेमेंट मैं किस मर्चेंट को पे कर रहा हूँ सो दिस इज वन ऑफ द फीचर्स देन कम्स योर वन टाइम मैंडेट व्हाट इज योर वन टाइम मैंडेट जो यूपीआई मैंडेट है दैट मीन्स कस्टमर बोथ कस्टमर एंड मर्चेंट दोनों को प्री ऑथोराइज या पे एट अ लेटर डेट वाला ऑप्शन जो है वो देता है क्रिएट करता है और एग्जीक्यूट दोनों करवाता है एंड ऑन द डेट ऑफ एक्चुअल परचेज द अमाउंट विल बी डिडक्टेड एंड रिसीव बाय द मर्चेंट या इंडिविजुअल यूजर जो भी है तो वन टाइम मैंडेट का ऑप्शन अवेलेबल है देन आता है आपकी लिंकिंग ऑफ ओवर ड्राफ्ट अकाउंट फैसिलिटी इन एडिशन टू द करेंट एंड सेविंग अकाउंट कस्टमर कैन लिंक देर ओवर ड्राफ्ट अकाउंट टू यूपीआई ऑल्सो सिर्फ ऐसा नहीं है सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट ही आप लिंक कर सकते हो आपका ओवर ड्राफ्ट अकाउंट जो होता है वो भी लिंक किया जा सकता है देन कम्स आपका साइन इंटेंट एंड क्यू आर जो क्यू आर वाला फीचर है वो हेल्प करता है कस्टमर्स को चेक करने के लिए कि ऑथेंटिसिटी है मर्चेंट की नहीं है क्योंकि जब आपका क्यू आर आप स्कैन करते हो या क्विक रिस्पॉन्स कोड जिसे बोलते हैं वो स्कैन करते हो तो इट नोटिफाइज द यूजर विद द इन्फॉर्मेशन टू असरटेन वेदर द मर्चेंट इज वेरीफाइड यूपीआई मर्चेंट और नॉट ओके सो इट हेल्प इन दैट सो इट प्रोवाइड्स एडिशनल सिक्योरिटी कस्टमर विल भी इन्फॉर्म इन केस द रिसीवर इज नॉट सिक्योर्ड बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन सो दीज आर द फोर की फीचर्स सिक्योरिटी है आपको सारे बैंक अकाउंट्स या ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स भी लिंक करने की फैसिलिटी देता है वन टाइम मैंडेट है आपके पास आपके पास इन वॉयस पहले आ जाता है फ्रॉम मर्चर्ड बिफोर पेइंग दैट ओके सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ना वट इज क्यू आर कोड क्यू आर कोड होता है आपका क्विक रिस्पॉन्स कोड जिसको आप बेसिकली स्कैन करते हो जब भी आप कोई भी यूपीआई पेमेंट करते हो एंड इट इज अ टू डायमेंशनल मशीन रीडेबल बार कोड आप देखेंगे ऐसा स्क्वायर जैसा होता है उसमें छोटे 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 से ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सेस बने होते हैं वो आपका मशीन रीडेबल बार कोड होता है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स का बेसिकली बना है एंड किसी भी स्मार्टफोन के कैमरा से आप ये रीड कर सकते हो एंड ये यू आर एल्स और अदर इंफॉर्मेशन या लिंक टू टेक्स्ट वेबसाइट फोन एक्सेट्रा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है ऐसा नहीं है सिर्फ यूपीआई पेमेंट्स में क्यू कोड यूज होता है बहुत सारी और जगह भी यूज होता है क्यू आर कोड वन ऑफ द यूजेज इज योर यूपीआई पेमेंट्स अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या है यूपीआई इंटरफेस को या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यूज़ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आई टोल्ड यू इट इज़ वेरी सिक्योर क्योंकि बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जिससे आपकी सिक्योरिटी मेंटेन होती है आपको भरोसा है कि हाँ मैं इसी मर्चेंट को दे रहा हूँ इतने पैसे दे रहा हूँ इतनी पेमेंट मुझे करनी है सो so, वो जो सिक्योरिटी है वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो है वो यूज करते वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड स्पेसिफिक मर्चेंट्स अकाउंट इज हैक योर सिक्योरिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज बिकॉज विल ओनली बी इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ वर्चुअल एड्रेस ओके सो अगर हैक भी होता है तो भी आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थोड़ा सा मैं ब्रीफली ही समझाती हूँ आपको कि क्या है देखो पेमेंट और रिक्वेस्ट मनी इंस्टेंटली 24/7 इवन ऑन बैंक हॉलीडेस आप कभी भी पेमेंट कर सकते हो ऑल बैंक अकाउंट कैन भी एक्सेस यूजिंग योर सिंगल यूपीआई एप भीम या कोई भी और आपकी आप आप जो भी यूज कर रहे हो नो नीड टू प्रोवाइड ए टी एम कार्ड अकाउंट डिटेल्स वाइल मेकिंग ट्रांजेक्शन आपको कोई कार्ड नंबर कोई सीवीवी uh, एक्सेट्रा uh, नहीं एड करना है ना ही पे ना ही बेनिफिशरी उनको कोई बैंक डिटेल्स शेयर नहीं करना है तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है पेमेंट कैन बी मेड डायरेक्टली थ्रू योर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है फंड ट्रांसफर बिल पेमेंट इज कम्पलीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत सारे रीचार्जेस हो गए या सब तरीके की पेमेंट आपकी यूपीआई पे अवेलेबल है और कंप्लेन भी कर सकते हो मोबाइल ऐप के द्वारा ही डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आपको बोलते ना कि रिड्रेसल सिस्टम स्ट्रांग नहीं है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वन ऑफ द अदर बेनिफिट्स जो ब्रॉडर लेवल पे इकॉनॉमी का बेनिफिट है वो ये है कि जब डिजिटलाइजेशन हो जाती है यूपीआई का मतलब क्या है यूपीआई से ट्रांजेक्शन हो रही है तो डिजिटल मेथड से हो रही है सो so, एक ब्लैक मनी जो है वो मार्केट से कम हो जाती है क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन जितने कम होंगे ब्लैक मनी जो है उतनी ज्यादा मार्केट में कम होगी जिससे की टैक्स रिवेन्यू बढ़ता है कंप्लायंस बढ़ती है सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट जो इकोनॉमी के लिए बेनिफिट है नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड वट आर द लिमिट दट है ट्रांजेक्शन एज ऑफ नाव पहला है बैंक ट्रांजेक्शन लिमिट टू योर यूपीआई नाउ एनपीसीआई है सेट आउट सम गाइडलाइंस फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन ये हम उनकी बात करते हैं कि जो एक पर्सन है ही कैन इनिशिएट अ मैक्सिमम पेमेंट ऑफ वन लाख पर डे थ्रू यूपीआई एंड जब हम बात करते हैं कि यूपीआई लिमिट वेरीज फ्रॉम स्मॉल बैंक लाइक कैनरा बैंक जो की पच्चीस हजार का ट्रांजेक्शन अलाउ करता है जबकि एस बी आई जो बड़े बैंक है वो वन लाख तक की लिमिट आपको देता है

कि ट्वेंटी ट्रांजेक्शन आप ट्वेंटी फोर आवर्स में कर सकते हो ट्वेंटी फोर आवर्स कंप्लीट होने के बाद आपको दोबारा ट्वेंटी ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं सो दिस इज दैट अब बात करते हैं कि जो यूपीआई ऐप लिमिट लगाता है दैट मीन्स जो आप ऐप यूज कर रहे हैं एमेजॉन पे हो फोन पे हो पेटीएम हो गूगल पे हो उन्होंने क्या लिमिट लगाया है सो वट देव सेटअप इज कि आप वन लाख पर डे अलॉन्ग अप टू ऑफ टेन ट्रांजेक्शन लिमिट अक्रॉस ऑल योर यूपीआई एप्स एंड बैंक अकाउंट्स दैट मीनस ऐसा नहीं है कि आपने गूगल पे और फोन, आ, फोन पे दोनों डाला हुआ है तो दोनों से आप दस दस ट्रांजेक्शन कर सकते हो नहीं आपके बैंक अकाउंट से यूपीआई के थ्रू आप टेन ट्रांजेक्शन कर सकते हो वन लाख पर डे के हिसाब से सो दिस इज अ लिमिट सेट योर यूपीआई एप्स अब बात करते हैं लिमिट्स लगा दिए क्यों लगाए हैं इंपोजिशन ऑफ लिमिट से क्या हेल्प होता है कि सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूपीआई जो है वो मेंटेन होता है फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी का अकाउंट डिटेल्स लीक हो गए ओके तो ट्रांजेक्शन पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं क्योंकि आपका एक मान लो आपका लिमिट ऑफ वैल्यू पे लिमिट है कि इतने रुपीज ही आप एक ट्रांजेक्शन में भेज सकते हो लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे लिमिट नहीं है तो बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा हैकर्स के लिए तो आसान है सो so, ये जो लिमिट्स हैं वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए या सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है जो लिमिट एग्जिस्ट करते हैं वो पोटेंशियल फ्रॉड या रिस्क कंसर्न रिलेटेड टू बैलेंसिंग कस्टमर कन्वीनियंस के लिए हेल्पफुल है हायर लिमिट्स सेट किए गए हैं फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज जैसे कि मान लीजिए बिजनेस है या कैपिटल मार्केट है क्रेडिट एंड क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स एक्सेट्रा के लिए हायर लिमिट्स हैं ऐसा नहीं है कि सभी के लिए एक लाख हो गया है नहीं बिजनेस वेंचर्स के लिए अलग लिमिट्स हैं जनरल लिमिट्स की हमने बात करी है यहाँ अब बात करते हैं चैलेंजेस यूपीआई के साथ क्या एसोसिएटेड है देखो चार मेन चैलेंजेस हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन के साथ पहला है साइबर क्राइम कितनी भी सेफ्टी की हम बात करते हैं स्टिल जो है वो फ्रॉड हो सकता है बिल्कुल ही 100 परसेंट सिक्योर सिस्टम नहीं है बोगस बायर्स भी होते हैं चार्जबैक्स भी होते हैं फ्लूडेंट क्लेम्स भी आ सकते हैं प्रमोशन कूपन अब्यूज भी होता है अकाउंट टेक ओवर के केसेस भी देखे गए हैं आइडेंटिटी थेफ्ट है कार्ड डेटा थेफ्ट है ये सब चीजें देखी गई हैं सो वी स्टिल नीड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन या साइबर क्राइम को यूपीआई में कैसे फाइट करेंगे हम उसके लिए हमें अभी भी रेगुलेशन चाहिए अनर द मेजस्ट चैलेंज देर इज योर लैक ऑफ अवेयरनेस अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें अडोप्शन टूवर्ड्स यू पी आई नहीं है या उनको फेमिलियर नहीं है वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम से सो हमें अभी भी अवेयरनेस कैंपेन एजुकेशनल जो इनिशिएटिव है जो एजुकेट द मासज अबाउट द बेनिफिट ऑफ यूजिंग यूपीआई एंड कैसे यूज करेंगे उसका ट्रेनिंग देने की बहुत ज्यादा जरूरत है देन वन ऑफ द प्रॉब्लम इज योर ट्रांजेक्शन लिमिट क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि ट्रांजेक्शन की जो लिमिट्स हैं वो कम है दैट इज वन लैक इज वेरी लेस या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो कम है सो so, वो बढ़ना चाहिए लेकिन वो बढ़ना तभी चाहिए जब हमारे पास एक सेफ इको सिस्टम है कि कैसे हम उसको डील करेंगे सो दिस रिगार्डिंग यूपीआई कितना भी uh, जो पूरा एम्बिट है यूपीआई के अराउंड की क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उससे रिगार्डिंग मैंने सब कुछ कवर करने का कोशिश किया है अगर आपको लगता है कुछ और भी एक्सप्लेन करना है तो डू टेलस इन द कमेंट सेक्शन वी विल डू मेक वी विल मेक श्योर की हम उस पर एक वीडियो लेके आए सो दैट ऑल योर डाउट्स आर क्लियर